20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पेशावर की सूरत हाल जानेंगे। जफर बताइएगा, 20 अफराद जख्मी हैं, मकानात छतें गिरी हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही है, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है, मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से अभी तक जो नुकसान है उनका तखमीना नहीं लगाया जा सका है कि कौन से किन किन इलाकों में नुकसान हुए था। हम रेस्क्यू 1122 जराए के मुताबिक जो शुरू में हमें अपडेट दिया गया था उसके मुताबिक 20 अफराद मुख्तलिफ इलाकों में जख्मी हुए हैं जिन पर छतें और दीवारें वगैरह गिरी थी। तो हम अभी जो इतलात आई है, जो ताजा तरीन इतलात लेडिंग हॉस्पिटल से आई है, उसके मुताबिक 50 अफराद जो है इन जलजले की वजह से जख्मी हुए हैं जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए पेशावर के लेडिंग अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये नवाही इलाकों से जो है जहां पर गुज़िश्ता दौरों से बारिशें भी हो रही थी और कच्चे खस्ता हाल मकान थे लोगों के, ये शदीद जलजले की वजह से वहां पर नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तहम अभी तक जो जख्मी है उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का सिलसिला जारी है, इसमें मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि नुकसान का जो है खर्चा वो भी जाहिर किया जा रहा है कि नुकसान का खर्चा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि नुकसान का। जफर ये बताएगा कि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों के बारे में और क्या इंतजामिया ने तमाम शहरों में सारे रेस्क्यू इदारों को अलर्ट किया है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 जो पेशावर मरदान में एक्टिव है वहां पर उनको एक वो कर दिया गया है। 1122 जो पेशावर मरदान में